नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के सिरमौर चौक स्थित तानसेन कॉम्प्लेक्स के बगल से समदड़िया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा समदड़िया गोल्ड नाम से व्यवसायिक सह आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें निर्देशक अजीत समदड़िया के द्वारा नरेंद्र नगर वार्ड क्रमांक 17 का एक आम रास्ता, जो नगर पालिक निगम के द्वारा पूर्व निर्मित पीसीसी रोड है, उसे बाधित किया जा रहा है। इस बाधित मार्ग को लेकर के पूर्व में भी स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद समदड़िया बिल्डर्स के द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण करके नरेंद्र नगर वार्ड क्रमांक 17 से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करा दिया गया है, जिसको लेकर रीवा के आरटीआई एक्टिविस्ट बीके माला के द्वारा रीवा कमिश्नर और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द ही इस आम रास्ते को खुलवाने की मांग की गई है। साथ ही साथ यह कहा गया है कि आम रास्ता बाधित करने की वजह से वहां के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए समदड़िया बिल्डर्स के निदेशक अजीत समदड़िया के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही साथ इस बाधित मार्ग को तुरंत खुलवाने की कार्रवाई करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखिए, आज हम आयुक्त महोदय रीवा संभाग को संबोधित और माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। ज्ञापन पत्र के माध्यम से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि रीवा जिले में अजीत समदड़िया बिल्डर्स के द्वारा गोल्ड मेडिकल हॉल बनाया जा रहा है तानसेन कॉम्प्लेक्स के बगल में, जो नरेंद्र नगर स्थित क्षेत्र है। नगर निगम रीवा के अंतर्गत आज विगत 70 साल से नरेंद्र नगर का एरिया है। उस नगर निगम में एक वैध का नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 में वो वैध कॉलोनी है। वैध कॉलोनी होने के बाद और वहाँ पर आम रास्ता बना हुआ है चारों तरफ से, जो राज कपूर ऑडिटोरियम को निकलता है। राज कपूर ऑडिटोरियम के पास के जो रास्ता है उसको अजीत समदड़िया द्वारा बाधित किया जा रहा है। इस संदर्भ में पूर्व में कॉलोनी वासियों ने हस्तक्षेप किया, रोक लगाया, परंतु अजीत समदड़िया द्वारा जो निश्चित पैमाना है, जो निश्चित क्षेत्र है, जो नगर निगम द्वारा आवंटित किया गया था, उस क्षेत्र से हटके बेजा कब्जा किया जा रहा और जबरन कब्जा किया जा रहा है। और वहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा इस संदर्भ में उनसे विनम्र अनुरोध किया गया, निवेदन किया गया, और वहाँ पर जो भौतिक सत्यापन असल दिखा के बताया गया, उसके बावजूद वो मान नहीं रहे, जबरन उनके वो रास्ता को बाधित कर रहे हैं, जो आवागमन बाधित हो रहा है। इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय को दिया है और उनके माध्यम से निवेदन किया है कि तत्काल उस रास्ते को खुलवाया जाए और अजीत समदड़िया जी के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए कि वो जबरन नगर निगम रीवा द्वारा जो आवंटन हुआ था अजीत समदड़िया जी को बिल्डिंग बनाने के लिए, वो खुले क्षेत्र में के लिए निर्धारित हुआ था और सीमांकन करके विधिवत उनको क्षेत्र दिया गया, ना कि नगर निगम के अंतर्गत जो रोडें बनी हैं, जो नगरवासियों के लिए रोड पहले से निर्धारित हैं, उन रोडों में बेजा कब्जा करने के लिए उनको अलाटमेंट नहीं किया गया था। तो पहले यह तय होना चाहिए कि नगर निगम रीवा के द्वारा जो रोडें हैं, आम रास्ता है, आम जनता के लिए निकासी के लिए, अब वो भी पट्टे की रास्ता है, लोगों ने वार्ड क्रमांक 17 के लोगों ने अपने ज़मीन से वो रास्ता निर्धारित बनाई थी, जिसको नगर निगम ने विगत कई बार उसमें निर्माण कार्य PCC किया है। तो हमारा निवेदन है कि आयुक्त महोदय से कि इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आम रास्ता बाधित नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन और नगरवासी और रीवा के समस्त वासी आंदोलन के लिए बाध्य विवश होंगे।